शॉर्ट हैंड क्या है? सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। शॉर्ट हैंड क्या? आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग मीन्स लिखने की कला को हम लोग शॉर्ट हैंड कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी बातों को, जैसे बहुत सारी बातों को, सारी बातों को, बातों को एक ही सिंबल में, बातों को एक ही सिंबल में, सिंबल में जब हम लिखते हैं लिखते हैं तो उसे शॉर्ट हैंड, उसे शॉर्ट हैंड बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक्स ऑफ शॉर्ट हैंड, बेसिक ऑफ शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड का जो बेसिक है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट हैंड को, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट हैंड को लिखने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, मीन्स कि जिस सिंबल का यूज़ करते हैं उसको हम लोग शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड के लिए, के लिए हम लोग जिस सिंबल का यूज करते हैं, मीन्स कि जिस साइन का यूज करते हैं, के लिए हम जिस साइन का यूज करते हैं, जिस साइन का यूज करते हैं उसको या तो सिंबल बोलते हैं या आउटलाइन बोलते हैं या स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि, और जैसे कि पी लिखना है तो इंग्लिश में भी तो सिंपल ये पी हो गया, पी लिखना है इंग्लिश में तो लिखे तो सिंगल पी हो गया, बट वहीं इसको शॉर्ट हैंड में अगर लिखते हैं तो ये पी, ये लाइट पी ऐसे हो गया। तो शॉर्ट हैंड में जैसे इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसका बेसिक, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ए बी सी डी अल्फ़ाबेट सीखना शुरू करते स्टार्टिंग, वैसे ही शॉर्ट हैंड सीखने के लिए शॉर्ट हैंड में दो चीज़ पढ़ना है हमें, एक तो वोवेल के बारे में, एक तो वोवेल के बारे में, सेकंड कॉन्सोनेंट के बारे में, कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो शॉर्ट हैंड में वोवेल कॉन्सोनेंट कैसे होते हैं, चलिए ये पूरा शॉर्ट हैंड जो है यहीं से स्टार्ट होता है। वोवेल यहाँ डॉट डॉट, एक नीचे डॉट एक ऊपर डॉट, ये दो से यहाँ का वोवेल, जिसके बारे में डिटेल में हम बाद में बताएंगे। पहले कॉन्सोनेंट के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे शॉर्ट हैंड में। तो शॉर्ट हैंड में दो तरह का चीज़ होता है, एक लाइट होता है, एक लाइट मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी सिंबल को जब लिखते हैं दो तरह से लिखते हैं, एक लाइट और एक उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो दो तरह से होता है, एक लाइट होता है और सेकंड आप देखेंगे सेकंड डार्क। तो कॉन्सोनेंट में पहले, सबसे पहले तो एक सर्किल बनाइए, सर्किल, ये सर्किल को चार भाग में डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये चार भाग में डिवाइड किए, ये लाइट सर्किल है, बस ये चीज़ याद रखिएगा, ये लाइट सर्किल है और ये जो है आपका ये डार्क सर्किल है।